हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इतनी वीडियोस बनाने के बाद ये लड़की गायब कहाँ हो गई, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे गायब होने का राज है ये। और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो मैं कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि अब फिर से उसी ट्रैक पर स्टार्ट किया जाए और आप लोगों से फिर से मिला जाए और आप लोगों के साथ फिर से कॉन्टैक्ट बनाया जाए। सो इसीलिए पेश है आज आपके लिए प्लम गुडनेस का एक रेंज, जो कि प्लम गुडनेस ने कुछ डिस्काउंट्स स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ ऑफर स्टार्ट किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, उन्हीं का रिव्यू लेके और उन्हीं की अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं आप आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, जो फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है प्लम गुडनेस का, प्लम गुडनेस की वैसे भी सारी रेंज ही अच्छी है, चाहे उनका मेकअप हो, चाहे ब्ली ब्यूटी की एंड रेंज में उस कैटेगरी में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैं इनके यूज़ कर रही हूँ जिनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नई ऐड की हैं और कुछ चीज़ें हैं कि अपना दोबारा से उनको स्टॉक इन किया है। सो इस टाइम प्लम में ना एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बी टू जी टू मीन्स बाय टू एंड गेट टू फ्री। सो कोई भी फोर प्रोडक्ट्स आप प्लम की वेबसाइट से बाय करते हैं, उसे आप अपनी कार्ट में डालते हैं एंड चेकआउट के टाइम पर अगर आप कोड बी टू जी टू उसमें लिखते हैं तो आपको टू प्रोडक्ट्स का पेमेंट करना है एंड टू आउट ऑफ फ्री आपको वैसे भी मिल जाएगा। सो मैंने जो प्रोडक्ट्स अपने स्टॉक इन किए हैं और कुछ नए ट्राई किए हैं वो मैं आप शेयर कर लेती हूँ। सो गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने देख रही थी कुछ टाइम से प्लम का, एक रेटिनॉल रिन्यूइंग नाइट क्रीम है 0.5%। इसका रिव्यू मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से आ रहा था एंड इसमें क्या है कि रेटिनॉल है जो कि प्रिवेंट करता है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। सो इसको मैं एक ट्राई ज़रूर देना चाहती थी क्योंकि अब थोड़ा सा समर्स हैं तो समर्स में इतने मॉइस्चराइजर्स और इतना लाइक नाइट क्रीम्स आप अप्लाई नहीं कर सकते स्किन पे। सो मेरे को लगा कि मैं एक नया प्रोडक्ट यूज़ करके देखती हूँ। इनका जो रेटिनॉल का वर्क है वो स्किन की अपर लेयर पे होता है, जो भी आपकी डेड स्किन है या आपके स्कार्स हैं या फिर कुछ ब्लेमिशेस हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो उनको सबको फेड अवे करता है ये रेटिनॉल। सो बेसिकली इसको नाइट में ही अप्लाई किया जाता है। 50 ग्राम्स की बॉटल है और प्राइस इसका जो मैंने पे किया है दैट इज़ 650। सो इसका जो ये है बॉटल है दैट इज़ विथ पम्प एंड जो इसका पम्प है उससे मैं दो दिन से ये बॉटल यूज़ कर रही हूँ, तो अभी तक मेरे को दो ही दिन हुए हैं इसको अप्लाई करते हुए। तो आई थिंक कि इस बॉटल को मुझे एक ट्राई देना चाहिए एंड देन इसका जो भी रिव्यू होगा, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे कि मैं करती आई हूँ आज तक। सो फिलहाल इसका जो पम्प है इससे आप जितना भी आपको एक अमाउंट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए चाहिए वो आप उसमें से ले सकते हैं, देन आप इसको अप्लाई करें नाइट में और देखते हैं आपकी स्किन में क्या डिफरेंस आता है। मेरी स्किन में अगर मुझे कोई डिफरेंस लगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिव्यू लेके आऊँगी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है इसका, ये मैं काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ बॉडी ऑयल प्लम का। इससे पहले मेरे पास दो बॉटल्स मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, एक तो इसी वनीला वाले की बड़ा वाला जो बॉटल है दैट इज़ अराउंड 550 की रेंज में, बट ये वाला मुझे इस बार मिला है 299 में। बिकॉज समर है तो आपको अपनी स्किन पे इतना ज़्यादा कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती आफ्टर बाथ। सो थोड़ा सा ही होता है क्योंकि मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई है तो मुझे लेग्स पे, आर्म्स पे, बॉडी पे थोड़ा सा लगाना पड़ता है इसको, क्योंकि कभी आप किसी इवेंट में जा रहे हो, कभी किसी मीटिंग्स में जा रहे हो या कुछ कभी आउटिंग्स में जा रहे हो, लंच डिनर किसी भी लिए, तो थोड़ी सी जो लेग्स हैं वो थोड़ी शाइन करती हुई अच्छी लगती हैं, बॉडी शाइन करती हुई अच्छी लगती है। तो बॉडी ऑयल इसका जो है ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है, एक अलग सा ही शाइन आ जाता है स्किन के ऊपर। वनीला वाइप से पहले मैं इसका कोई और वाला ऑयल, एक और दूसरी फ्रेग्रेंस थी वो आई थिंक फ्रूटी समथिंग फ्रेग्रेंस थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो थोड़ी सी स्ट्रॉगर साइड पर है तो वो विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है। और इसकी बड़ी बॉटल मैंने लास्ट समर्स में यूज़ की थी, तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही लाइट वेटेड है, आई थिंक कि अपने पॉकेट का ध्यान रखते हुए मेरे को लगा कि मैं एक छोटी वाली बॉटल ऑर्डर कर लेती हूँ फिर से। सो बहुत ही कम अमाउंट इसका यूज़ होता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है स्किन पर। सो ये वाली बॉटल अगर आप ट्राई करना चाहें छोटी वाली तो ये आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप बाय टू गेट टू था तो इसके साथ मैंने दो प्रोडक्ट्स जो ऐड किए कार्ट में वो थे, एक तो ये काजल प्लम का, मेरे पास बाकी सारे काजल्स मैंने यूज़ किए हैं मेबेलिन, लॉरियल, बट प्लम का मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसका है कि आई स्वेयर बाय कोल काजल डीप ब्लैक क्रीमी स्मूथ, तो वन स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाता है, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। सो इसका MRP है 275 और बहुत क्यूट सी है, छोटी सी पेंसिल टाइप की एंड पेंसिल नहीं है, दैट इज़ इसकी जो टिप है वो अपने आप जब आप इसको मूव करेंगे नीचे से तो ये अपने आप अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है डार्क का तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, आई लाइक इट। सो इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आने वाले दिनों में। फिलहाल मैं ऑलरेडी एक मेबेलिन का यूज़ कर रही हूँ, एक लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो इसको भी मैं ट्राई करके आपको बताऊँगी। इसके अलावा जो लास्ट प्रोडक्ट है इस रेंज में वो है प्लम गुडनेस का आई लाइनर।
आई लाइनर मेरे पास ब्लू ब्लैक ये तो नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ये था कि मैं थोड़ा कलरफुल सी, क्योंकि अब शादी हो गई है तो आपको अच्छा दिखना है, आपको लाइक खुद से कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप अच्छा रेडी होते हैं अपने लिए. सो ये पर्पल कलर का है, ब्लैक कलर का इसका ऊपर का टिप है एंड नीचे ये जिस कलर का आपको बॉटल दिख रहा है ना उसी कलर का इसका लाइनर है, आपको दिखाती हूँ. और इसकी जो टिप है ना वो भी बहुत ही स्मूथ चलता है, मैंने इसको अप्लाई किया था आज मॉर्निंग में, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है इसका पर्पल का. और आप चाहे कोई भी लाइट कलर का, समर में किसी भी कलर का आउटफिट आपने पहना, इनफैक्ट जैसे मैंने ये येलो ब्लू ग्रीन वाइट मिक्स कलर पहना हुआ है इसके साथ भी अगर मैं चाहूँ तो इसको अप्लाई कर सकती हूँ. मतलब बहुत ही कलरफुल सा लाइनर है, इसमें और भी बहुत सारे शेड्स थे, पिंक रेड ग्रीन आई थिंक मॉव और भी बहुत सारे शेड्स थे, तो बट मेरे को इस बार ये वाला ट्राई करना था तो मैंने कर लिया. सो फिलहाल गाइस टू प्रोडक्ट्स जो थे वो मैंने जो आपको बताया, एक बॉडी ऑयल एंड एक रेटिनॉल वाला जो नाइट क्रीम, इनके साथ मैंने दो प्रोडक्ट्स लिए, काजल एंड लाइनर. सो वो मुझे टोटली फ्री मिल गए. और प्लम ने मुझे अपनी तरफ से एक छोटू सा गिफ्ट दिया है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ. वो है ये प्लम का बॉडी लविंग शावर जेल. इसकी बड़ी वाली बॉटल मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही लाइक बीची फ्रेगरेंस जो होती है ना वो है ये. सो ये अच्छा है कि अगर आप इसको कहीं लाइक बाहर जा रहे हैं, समर्स हैं वैसे भी, सो अगर आपके पर्स में ये है तो आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है, छोटी सी है, किसी स्लिंग बैग में भी आ जाएगी और आपको ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना पड़ेगा. सो ये एक छोटा सा हवाई रूम्बा इसका जो फ्रेगरेंस है वो ये है. सो ये आई थिंक इस पे जो MRP है वो लिखा है 75, बट मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है प्लम की तरफ से. और इसका जो बड़ी वाली बॉटल है मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो समर्स के लिए बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, बहुत लाइट है, बहुत फ्रेश है. सो इसको आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है आपको भी शायद प्लम की तरफ से फ्री में आ जाए और एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा. सो गाइज अब मैं आपसे कंटिन्यूस मिलती रहूँगी, दैट इज़ माई प्रॉमिस. सो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.